हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ डोनट जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। ये मेरा इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें मेरा मैदा है। आप जितना बना सकिए उतना आप मैदा लीजिए, जितना आप बनाना चाहते हो। इसमें मैं ये शुगर पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच, और मैं ये ऑयल भी डाल रही हूँ इसमें, और ये खाने वाली सोडा है ये मैं डाल रही हूँ, और मैं दही डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं दही डाल रही हूँ। इसे मुझे अच्छी तरीके से मिलाना है और इसका एक डो बनाना है। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल सान लिया है, इसे अच्छी तरीके से डो बना लिया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। ये देखिए, ये मेरा 1 घंटा हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे डोनट निकालती हूँ और बेलगन में इसे कटिंग करती हूँ। इस तरह से मैंने बेल लिया है, अब मैं इसे डोनट निकालती हूँ। अब बीच में इस तरह से ये देखिए, ये मैंने सारे डोनट इस तरह से मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। ये मेरा तेल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये सारे डोनट डालूंगी। मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है, मैं इसमें सारे डोनट बिल्कुल डालूंगी और फ्राई करूंगी। ये देखिए, मैंने सारे डोनट बिल्कुल डाल दिया है और अच्छी तरीके से मुझे फ्राई करना है। ये देखिए, ये मेरा डोनट बिल्कुल फ्राई हो गया है और मैंने पलट लिया सारा, और ये नीचे से हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल लाल हो गया है, अब मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए, ये मेरे सारे डोनट निकाल लिए हैं, अभी से मैं सर्व करूंगी। ये मैंने चॉकलेट ले लिया है, इसे चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। मैं इसे चॉकलेट में डिप करूंगी इस तरह से मैं करूंगी डिप, और इस तरह से रखूंगी। आप किसी भी चीज से, शुगर सिरप हो, व्हाइट चॉकलेट हो, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने व्हाइट चॉकलेट, इसमें 2 व्हाइट चॉकलेट डाला है, और ये डार्क चॉकलेट, मैं डार्क चॉकलेट और डाल रही हूँ इस तरह से। मैंने मेल्ट कर लिया था, और ये डार्क चॉकलेट मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। चॉकलेट लगा सकते हो आप किसी तरह के से गार्निश कर सकते हो इसे। मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, पिंग किसी चीज से भी आप चॉकलेट, या चॉकलेट डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, किसी से भी आप गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से मैं कर रही हूँ। ये शुगर पाउडर भी है, आप शुगर पाउडर से भी गार्निश कर सकते हो।